ओ लो, भाभी बड़े आराम से सोई हुई हैं। भाभी भाभी उठो। अरे सीमा, तुम कितने आराम से सो रही हो ना। अरे क्या बात है बताओ। क्या बात है? हाँ, मेरा दिमाग कितना टेंशन में हो, तुम आराम से नींद पूरी कर रही हो बस। क्या बात हो गई? अरे मैं तो थोड़ा थक गई थी, तो घर का काम कर गया, तो मैंने सोचा थोड़ा देर आराम कर लूँ। ठीक है, क्या बात? आराम ही करती रहो। क्या बात है बताओ? तुमको नहीं पता क्या बात है? हमारे हाथों में एक भी पैसा नहीं रहा, खाली हो चुके हैं पैसों से। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक भी पैसा नहीं है हमारे हाथ में। मेरी तो सारी टेंशन ये पैसा है, अगर पैसा ना हो तो कुछ नहीं दिखता। ये तो है, ये जो जो कपड़े जो पहन रही हो ना, सब दो नंबर की कमाई के। वो तो है ही है का नहीं। अब ये बताओ, इस झोपड़ी में क्यों पड़ी हुई हो? ये झोपड़ी नहीं है पागल, ये एसी रूम है मेरा। एसी रूम? हाँ। कैसे? अब पूछ, ऐसे इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। अच्छा। हाँ, एकदम मस्त वाली नींद आ रही थी, ये समझ ले मैं पैसे वाली बनने ही वाली थी। बस बन गई, देर में तू आ गई, मेरा सपना तोड़ दिया। बन गई? अब बनी तो नहीं अभी। अच्छा, बन नहीं पाई। हाँ भाभी, आप ना सपने ही देखती रहोगी और कुछ नहीं करोगी। फिर करना क्या चाहिए? मैं तो ये सोच रही हूँ, इस झोपड़ी की जगह एक कोठी बन के खड़ी हो जाए और आप कि बस सपने सपने देखती रहती हो। ये बात तो खैर तू सही कह रही है, दिमाग तो तेरा बिल्कुल वही लोमड़ी वाला है। बढ़िया है, यानी कि अच्छा है। मैं ये कह रही हूँ, क्यों ना इस दूसरे गांव में जाके एक ऑफिस लगाया जाए। करो कुछ, करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, तुम कुछ सोचो, कुछ प्लान बनाओ। भाभी पैसा नहीं है बिल्कुल भी। वो तो सही कह रही है, मैं ये सोच रही हूँ कि गंगा पार चलना चाहिए, और गंगा पार में सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, और उन लोगों की शादी भी नहीं हुई है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनकी शादी भी हो जाए और हमारी जेब गर्म भी हो जाए, है कि नहीं? ठीक है भाभी, लेकिन होगा कैसे? अरे तुम टेंशन काहे को ले रही हो, जब तक तुम हो तो हमें किस बात की टेंशन है। ये तो है, है कि नहीं? तो चिंता मत करो, बहू तो हमारे पास बैठी है। है कि नहीं? समझ गई समझ गई। बस जाना नहीं है उनके पास, खाली सोफिस दिखाना है, पैसे लेके तेज भगना है वहां से, है कि नहीं? भाई वीआईपी से पहले ऑफिस लगाया जाएगा, थोड़ा हम भी बैग वगैरह चश्मा वगैरह लगा के और एकदम वीआईपी तरीके से बन के जाएंगे, ताकि हम लगे कि हाँ हम किसी ऑफिस से आए हैं। और क्या, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। वो तो हम यहाँ झोपड़ी में तो पड़े हैं, लेकिन देखने में तो नहीं झोपड़ी है। वो तो है, ये तो सही है। अब ये समझ ले कम से कम 4-5 दिन हो गए बगैर होटल का खाना खाए। हाँ भाभी, वही तो, अब तो मन कर रहा है। बस मैं सोचती हूँ कि अब मुझ पर तो देखो चूल्हे की रोटी होती नहीं है, क्योंकि परेशान हो गई। और ये समझ ले कुछ भी नहीं है, ये एकदम वही पुराना ही गेटअप है मेरे पास। चेंज करो, चेंज करो, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वही मैं चलो सोचो, सोने से कुछ नहीं हो रहा है। चले तो? हाँ चल, उठो, चलो एक काम करते हैं, चलो चलते हैं, ठीक है ना? हाँ, अपना बैग वैग रेडी करके और निकलते हैं हम लोग, ठीक है? बिल्कुल। भाभी किसी पैसे वाले से कम नहीं लग रहे हम। हाँ नहीं, आप तो हमारे जाल में मुर्गा आ ही जाएगा। लुटेरे हैं? अरे पक्के लुटेरे, लुटेरे नहीं, एकदम ऐसे लग रहे हैं किसी कंपनी से आए, किसी बढ़िया विदेशी, विदेशी लग रहे हैं वैसे हम, है कि नहीं? क्या देख लो, चलो आओ, चलो। कुछ लग रहे हैं एकदम विदेशी से, विदेशी से, और इंग्लिश में बात करनी है। अरे भाभी अब टेंशन मत करो। और तुम्हें पता है हमारा नाम क्या होगा? क्या? तारा और सारा। तारा सारा? हाँ, ये कैसा नाम है? अरे बहुत फैंटास्टिक नाम है, मेरा नाम है तारा, तुम्हारा नाम है सारा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, और एक चीज और, इंग्लिश में बात करनी है, और लोकल से तो बताना ही नहीं है, तो? यूरोस से बताना है। यूरोस से? हाँ वहीं से बताना है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ला 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 ला। भाई ये कौन है हमारे गांव में? ये महिलाएं या पुरुष हैं? टोपी लगा लगा के आ रही हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारे गांव में विदेशी लोग घूमने तो नहीं आए। आगे चल के पूछता हूँ, बात करता हूँ उनसे।
वैसे हम ये सोच रहे हैं कि इस गांव में ऑफिस कहाँ बनाया जाए। ऑफिस? ऑफिस के लिए जगह भी तो चाहिए। वैसे कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। जानकारी भी नहीं किसी से, अगर किसी को पटाया जाए तो। कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा ताकि यहाँ हम एक ऑफिस बना सके। पहले किसी एक आदमी को पटाना पड़ेगा। अरे वो देख, वो आदमी आ रहा है। अरे हाँ, आ तो रहा है, आने दो आने दो। डंडा वंडा सा लेके आ रहा है कुछ। डंडा तो है उसके पास। हेलो, गाली दे रही हो? नहीं। Who are you? Who are you? ये क्या होता है? ये होता है कि तुम कैसे हो? मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे आप कौन हो इस गांव में हमारे में? तारा और सारा। तारा और सारा? जी, ये तारा सारा। सारा? अच्छा अच्छा, क्या अच्छा, तुम मतलब ऐसे घूमने आई हो क्या? नो। तो हमने मतलब हम कंपनी से आए। कहाँ से आए हम? कंपनी से। कौन से देश से? यूरोप से। यूरोप? यूरोप। यूरोप? यूरोप? हाँ। यूरोप की हो? जा वहीं के। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है ये विदेश है। वहीं से। अच्छा, हाँ वही हो। तो यहाँ क्या करने आई हो? गोबर घास कूड़े में है? मेरा मतलब यहाँ पर क्या करने आई हो गाँव में? नहीं, हम यहाँ गोबर घास कूड़ा करने नहीं आए, इडियट। तो हम यहाँ पे, हम ये सोच रहे हैं, हम जो है, हम यहाँ कुछ महिलाओं की खेती करना चाहते हैं। हैं? जी हाँ। आलू की खेती, टमाटर की खेती, नहीं टमाटर, आलू की खेती, मूली की खेती, ये सब चीज तो हमने की है। अरे हम फाइनेंस बारे हैं। फाइनेंस? हम फाइनेंस पे बहू लो, बच्चे लो, ट्रैक्टर लो, गाड़ी लो, बुग्गी कुछ लो, भी ले सकते हो आप हमसे। कटरा लो, ऊंट लो, हाथी लो, बिजार लो, सांड लो, जो। अरे बस बस, अच्छा जी। तो हमारी कंपनी में हर चीज मिलती है। हाँ। वैसे हमारे गांव में शादी तो हुई नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ हैं तो बहुत लोग हैं। फिर भी शादी किस किस की? किसी की नहीं हुई, सब लड़ुआ है। किसी की नहीं? माय गॉड, कितना बड़ा इशू है। ज्यादा प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा इशू है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने ऑफिस के लिए जगह देख रहे थे, जहाँ हम बैठ सके, जहाँ लोगों को समझा सके। तवेला है? तवेला? ये क्या नहीं, होता नहीं, 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 हमें कोई अच्छी सी जगह चाहिए। अच्छी सी? जी जी। तो देखो, हमारे गांव में एक ही जगह है, चौक है, एक है का है, वो उसके बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाना। हाँ? हम पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते। माय गॉड। हाँ? हमें कुछ यूनिक सी जगह चाहिए। ओह अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, ऐसा है, हमारे प्रधान जी हैं, तो हम अपने प्रधान जी के उसमें एक कमरा दिलवा देंगे तुम प्रधान जी की कोठी में। रूम? गाली दे रही है? नहीं, रूम। कमरा? कमरा, कमरा। ये बोलो, मिल जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। वैसे सुनो सुनो, तो आप हमें बता दीजिए। सुनो पहले मेरी बात, ऐसा है मेरी भी शादी नहीं हुई, करा दोगी? डोंट वरी, बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अच्छा जी, जैसे भी आपको अपनी वाइफ चाहिए। हाँ। जिस तरीके की बहू आप मांगेंगे। अच्छा, मेरे जैसी, इसके जैसी, सब तरह की, मोटी पतली जी, छोटी गट्टी लंबी, कैसी भी चाहिए, मोटी सब सब ठीक है, आपके पसंद की ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें रूम दिखा दीजिए। आ जा, आ जा, चलो चलिए, प्रधान जी आ, चलिए आइए, चलो ना आओ। देखो ये है प्रधान जी का घर। वाओ, वंडरफुल। हां, गाली दे रही हो? ब्यूटीफुल, ब्यूटी, बहुत सुंदर। तुम कितना सुंदर है। मैं? हां। अच्छा, वैसे आज किसी ने बोला है मुझे सुंदर? सच में ही आप बहुत सुंदर हैं। बहुत सुंदर हो आप। अच्छा, काजल लगाए इसीलिए? देखो हाँ, नजर ना लग जाए, तभी तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। नजर ना लग जाए जी। सारा, टाइम वेस्ट ना करके हमें ये जगह अच्छी लगी है जी, और हम चाहते हैं कि इसमें एक ऑफिस बनाया जाए। जी जी, सही बात है, है नहीं? इसलिए हमारी थोड़ी मदद करेंगे। मदद करेंगे? धूम में आते आते हो गया है हमारी खोपड़ी का पारा कुछ। हमें आओ अंदर, चलो चलते हैं। चलो, बैठाने की जगह करनी है और वो लगानी है। अरे आप उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ नहीं, एक बेंच मतलब एक टेबल चाहिए। टेबल? हाँ। और एक कुर्सी, बस बस ठीक। ऐसा है, प्रधान जी बैठे हैं अपनी लॉज पे जी, ठीक है? तो ये प्रधान जी का घर है, आप अंदर जाके बैठो हवा में, मैं प्रधान जी से पूछ के आता हूँ। जैसे ही प्रधान जी मुझे इजाजत दे देंगे मैं तुरंत लगा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जाओ। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, जाओ। वाह,
हरिया। हाँ भाई। और मेरे यार इधर किधर से आ रहा है? अरे कहीं नहीं ऐसा, तुझे पता नहीं है हमारे हमारे गांव में अब जो ऑफिस लगेगा, ऑफिस बनेगा। हाँ ऑफिस? ऑफिस मतलब बैंक खुलेगी। हीरे? हाँ अपने गांव में? अरे क्यों नहीं, बैंक बैंक खुलेगी। अरे तो यार पैसा बची आ करेंगे किराए भाड़े के, काहे को जाओ शहर? नहीं बैंक खुलेगी, और देख वो बैंक जो है मतलब खेती करेगी औरतों की। औरतों की खेती? औरतों की खेती? हाँ औरतों की खेती करेगी, और बच्चे देगी, और ये समझ लो सब कुछ देगी। है रे? हाँ गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर बंगला गाड़ी जो भी। तो औरतों की खेती कैसे होती है यार? जितने भी रड़ुआ है नहीं, हमारे गांव में तो सब रही रड़ुआ है। अब हम सब जितने भी रड़ुआ है हमारे लिए एक एक बहू आ जाएगी। बढ़िया। अच्छा मतलब खेत में समझ रहा है वो खेती होगी उनकी? खेती ऐसी करेंगे वो लोग। अब हम मुझे नहीं पता खेती कैसी करेंगे, पर वो आए हुए हैं और मैं जा रहा हूँ प्रधान जी की लॉज पे। काहे लिए? वो इसलिए कि उनका ऑफिस लगवाना है, और बिना प्रधान जी की इजाजत के ऑफिस लग नहीं सकता, तुझे तो पता है। अच्छा है क्या? नहीं तो यहाँ पे सामान सौदा आ गया ऑफिस का अपने काम में? नहीं। हाँ वो तो कह रही है वो तो कह रही है। मतलब औरतें जनानी है? हाँ औरतें आई हैं। अब ये नहीं पता वो औरतें हैं जनानियां कौन है, टोपा लगा लगा के आई हैं। टोपा? हाँ एक तो बड़ी मोटी सी है, एक बड़ी पतली सी है। ये मोटी सी जो है वो चश्मा लगा के आई है। चश्मा? हाँ जैसे कहा समझ रही है अपने आप को पूरा। अब ये है अब मुझे प्रधान जी के पास जा रहा हूँ, चाबी लेके आऊंगा, फिर उनका बोर रखवाऊंगा ऑफिस। देखने में कैसी हूँ जनानी? अरे चुप कर के देखने में। यार तू वही गलत विचार, मैं पैसे पूछ रहा हूँ। सही है बढ़िया है। बढ़िया 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 एकदम। आदत की एकदम बहुत अच्छी। तो हमें वो ट्रैक्टर दिबांगी है। हाँ औरत दिबांगी, लुगाई अच्छी, औरत दिबांगी, बच्चा दिबांगी। अरे छोड़ो बच्चन की क्या जरूरत है फिर? बच्चा दिलवा देंगे अगर बच्चा चाहिए, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो बच्चा दिलवा देंगे। अच्छा हाँ वो भी दिलवाएंगी? और क्या, और का दिलवाएंगी? अच्छा गाड़ी दिलवाएंगी, तुम्हारे लिए जमीन दिलवाएंगी, जमीन भी सब गांव के जितने सब दिलवाएंगी। तो यार जी तो बड़ी बड़ी सुविधा आ रही है हमारे यहाँ पे। अब बस ये है तैयारी कर लो जब तक मैं उनको ऑफिस लगवाऊँ। अब उनसे जब मैं पूछ लूंगा कि मैं बुला के लाऊं तो मैं तुझे तेरे पास आ जाऊंगा, तेरे घर पे मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगा। अच्छा सही है? हाँ सही है। ठीक है चल ठीक है ठीक है ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैं बताता था किधर है वो जनानी, मैं मिल जाऊँ अभी? मज्जा मिलने अभी मन जा, वो प्रधान जी के घर में बैठी मैं प्रधान जी की लॉज पे से चाबी ले आऊं उनके घर पे, घर खोलूंगा नहीं पूरा वो करूंगा मैं। अच्छा हाँ जा। अब जी तो बड़ी बात बढ़िया बता दी है।